वेलकम स्टूडेंट्स इन टुडेज वीडियो। आवर टुडेज टॉपिक इज बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स। कि आज हम जो शेयर इशू करते हैं उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको हम समझेंगे। वैसे भी जो क्लास 12th का मेन टॉपिक है वो इशू ऑफ शेयर्स तक ही लिमिटेड है कि एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके किस तरह से कैपिटल लेती है। तो क्या क्या ये बेसिक टर्म्स हैं आइए हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले है फेस वैल्यू। एवरी शेयर हैज इट्स ओन वैल्यू रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। एज इट इज रिटर्न ऑन द फेस ऑफ सर्टिफिकेट इट इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ शेयर लाइक 10 रुपीज शेयर 100 रुपीज शेयर एटसेट्रा। देखिए हर शेयर की अपनी एक वैल्यू होती है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है तो एक शेयर सर्टिफिकेट भी देती है शेयर अलॉट करने के बाद में। इस शेयर सर्टिफिकेट के जो फेस होता है उसके ऊपर प्रिंटेड रहता है कि शेयर की वैल्यू कितनी है। तो यही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। यानी एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू ही उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। नॉर्मली इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लेते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो रेपर होता है उस पर एक प्राइस प्रिंटेड रहती है। तो वो एक तरीके से उसकी फेस वैल्यू होती है कि कितनी प्राइस उस पर प्रिंटेड है। वैसे ही जब कंपनी अपने कैपिटल को इक्वल डेनोमिनेशन में डिवाइड करती है तो जो डेनोमिनेशन होता है कि वो 10 रुपए का डेनोमिनेशन है कि वो 100 रुपए का डेनोमिनेशन है कि वो 20 रुपए का डेनोमिनेशन है तो जिस डेनोमिनेशन में वो अपने शेयर को डिवाइड करती है वो डेनोमिनेशन ही उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहलाता है। नेक्स्ट इज इश्यू प्राइस। दिस इज द प्राइस एट विच ए शेयर इज सोल्ड टू पब्लिक और इश्यूड टू पब्लिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेट रिसीवेबल अमाउंट फ्रॉम शेयर होल्डर After doing adjustment of discount and premium amount, simply we can say it is the sale price of a share by company. देखिए issue price, देखिए face value का मतलब originally वो share कितने का है। issue price का मतलब है कि company उस share को किस price पे market में public को offer कर रही है। तो ये price जो है वो face value से ज्यादा भी हो सकती है और ये प्राइस फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है। तो जिस भी प्राइस पे आप मार्केट में बेच रहे हो अपने शेयर को सिंपली जिसे हम कहें कि जो सेल प्राइस है एक तरीके से वो सेल प्राइस ही आपकी इश्यू प्राइस है कि आप किस प्राइस पे शेयर को इश्यू कर रहे हैं आप। तो ये इश्यू प्राइस का मीनिंग होता है। नेक्स्ट इज एट पार इश्यू। देखिए अब इश्यू प्राइस मैंने डिस्कस कर लिया है कि आप कितना नेट रिसीव करना चाह रहे हैं मार्केट से एक शेयर पे। एट पार इशू का मतलब है अगर कोई शेयर उसकी फेस वैल्यू पे ही बिकता है तो वो एट पार इशू कहलाता है। व्हेन ए शेयर इज इश्यूड एट इट्स फेस वैल्यू प्राइस इट इज कॉल्ड एट पार इशू। जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई 10 रुपए का शेयर है और कंपनी उसे अगर 10 रुपए में ही बेच रही है तो ये एट पार इशू कहलाएगा। नेक्स्ट इज एट डिस्काउंट। व्हेन ए शेयर इज इश्यूड एट द प्राइस लेस देन इट्स फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड एट डिस्काउंट इशू। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को उसकी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू करती है तो ये डिस्काउंट इशू कहलाता है। देखिए यानी मान लो 10 रुपए का शेयर है और कंपनी मान लीजिए उसको 9 रुपए पे इशू कर रही है 9.5 रुपीज में इशू कर रही है तो ये डिस्काउंट पे इशू माना जाएगा कि कंपनी ने 1 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया है या 50% डिस्काउंट पे एक शेयर को इशू किया है। इसमें कुछ प्रोविजन है। देखिए एज पर सेक्शन 53 ए कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। देखिए अभी जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें ये प्रोविजन डाला गया है कि अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। पहले कंपनी 2013 से पहले डिस्काउंट पे शेयर इशू किए जाते थे पर अब आप डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकते। तो ये हम सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए इसको स्टडी कर रहे हैं। एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54। लेकिन इसी का एक प्रोविजन है सेक्शन 54 में जिसमें यह कहा गया है कि आप स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। देखिए स्वेट इक्विटी शेयर्स वे शेयर्स होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉई या डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं उनकी
उन्होंने जो ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं या उनमें कुछ नो हाउ टेक्निकलिटीज उनके पास में नॉलेज है, उस टेक्निकल नॉलेज के कंपनसेशन के लिए आप उन्हें जो शेयर कम कीमत पे देते हैं वो स्वेट इक्विटी शेयर कहलाते हैं। स्वेट का मतलब पसीना होता है, जो कंपनी के लिए पसीना बहा रहे हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर हैं जैसे, तो उन्हें आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हो, बाकी नॉर्मल पब्लिक को आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज एट प्रीमियम। व्हेन ए शेयर इज इशूड एट द प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड एट प्रीमियम इशू। देखिए, अगर आप अपने शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा कीमत पर बेचते हैं मार्केट में तो ये प्रीमियम पर इशू कहलाता है, एट प्रीमियम इशू कहलाता है। देखिए, इसका मतलब है कि जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, आप उसको 10 रुपए से जितना भी ऊपर महंगा बेचोगे तो वो जो महंगा आपने बेचा है, जो उस पर आपने एक्स्ट्रा प्राइस लिया है, वो एक्स्ट्रा प्राइस प्रीमियम इशू कहलाता है। तो 10 रुपए को आपने मान लो 11 में बेचा, 12 में बेचा, तो जो 1 रुपया या 2 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो एट प्रीमियम इशू माना जाता है आपके। नेक्स्ट टर्म इज अंडर सब्सक्रिप्शन। समटाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, सच एन इशू इज सेड टू बी अंडर सब्सक्रिप्शन। इन सच सिचुएशन एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। देखिए, कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को जब इशू करती है तो एप्लीकेशन कम आती है, मतलब जनता इंटरेस्टेड कम रहती है, पूरा जो इश्यू कैपिटल है वो पूरी तरह से बिक नहीं पाती है, सब्सक्रिप्शन कम रहता है आपके, तो ये सिचुएशन अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाती है। इस केस के अंदर हम जो आगे एंट्रीज करते हैं वो जितने भी शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं उन शेयर के बेसिस पे ही जनरल एंट्रीज की जाती है। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए एक कंपनी 1 लाख शेयर्स बेचना चाह रही है, टोटल यूनिट्स 1 लाख है, 1 लाख शेयर्स को बेचना चाह रही है, और मान लीजिए एप्लीकेशन उसके पास में सिर्फ 98,000 के ही सब्सक्रिप्शन की आई है, यानी वो बेचना 1 लाख चाह रहे थे और एप्लीकेशन 98,000 ही है, मतलब जनता ने 98,000 ही शेयर्स को खरीदने की इच्छा जताई है, तो 2000 शेयर कम बिके हैं, तो ये जो सिचुएशन कहलाएगी ये अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगी। कंपनी जितना बेचना चाह रही थी, जितना सब्सक्राइब करवाना चाह रही थी, उसे अंडर सब्सक्राइब हुआ है आपके। नेक्स्ट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ये आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन कहलाती है। देखिए, ये ऊपर वाले का जस्ट रिवर्स है कि अब कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, यानी सब्सक्रिप्शन उससे ज्यादा अमाउंट के लिए या ज्यादा शेयर्स के लिए आया है, तो ये सिचुएशन ओवर सब्सक्रिप्शन की है। मान लो अभी जैसे मैंने केस लिया कि आप 1 लाख शेयर्स को इशू कर रहे थे और बेचना चाह रहे हैं और जनता ने मान लो एप्लीकेशन जो है वो 1,50,000 शेयर्स के लिए आ गई आपके पास में, तो फिर भी आप तो 1 लाख शेयर ही इशू कर सकते हैं, तो ये जो सिचुएशन है कि आप बेचना 1 लाख शेयर चाह रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन 1,50,000 की आ गई है, तो ये सिचुएशन आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन कहलाती है आपकी। देखिए, ज्यादा एप्लीकेशन आ सकती है क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि कितने लोग खरीदेंगे, तो कंपनियां प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर एप्लीकेशन बहुत सारे ब्रोकर्स के एजेंट्स के पास में अपने पास में रखती है, फिर उन सबसे लास्ट में वो एप्लीकेशन कलेक्ट कर लेती है, तो हो सकता है कि लास्ट में एप्लीकेशन ज्यादा हो गई हो और शेयर इशू कम हो आपके। तो ओवर सिचुएशन के केस में फिर क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है, देयर मे बी टू सिचुएशन एज फार एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज कंसर्न फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन केस। फर्स्ट इज एक्सेस अमाउंट इज रिफंडेड एंड सेकेंड इज प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखिए, ये दोनों ही हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन में हम ये सारी चीजें देखेंगे। इसमें ये है कि जब आपके पास में ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाती है तो आपके पास में जैसे 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई तो पहला ऑप्शन है कि एक्सेस अमाउंट इज रिफंडेड, तो आप क्या करिए, आप 50,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप रिफंड कर दीजिए, पहला तो ये केस है। दूसरा ये केस है कि मान लीजिए अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेंगे, आप अगर किस्तों में पेमेंट लेते हैं तो आपने शुरू में एप्लीकेशन मनी ही मांगी होगी, तो आगे आप जो पैसा मांगोगे तो जितना एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा आया है वो आगे की कॉल्स में आप एडजस्ट कर सकते हो। इसे प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहा जाता है, कि मतलब आपने एप्लीकेशन का पैसा तो ले लिया 1.5 लाख का, लेकिन शेयर अलॉट कर रहे हो आप 1 लाख, मतलब 50,000 का पैसा आप रिफंड नहीं कर रहे हो, उसको आगे एडजस्ट कर दोगे, तो ये प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहलाता है। इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट इज द मिनिमम अमाउंट विच मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट।
देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है तो उसके लिए जो जनता खरीदने के लिए सब्सक्रिप्शन देगी वो कम से कम 90% वो इश्यू सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं होता है तो कोई भी कंपनी अपने शेयर को अलॉट नहीं कर सकती है, उसको वो अलॉटमेंट प्रोसेस कैंसिल करना होगा, फिर वापस उसे फ्रेश प्रॉस्पेक्टस इशू करके वापस एप्लीकेशन मंगवानी पड़ेगी। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब यही है कि मिनिमम 90% है वो आपके पास में एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, जनता का सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए 90%। तो ये 90% जो थ्रेशोल्ड लिमिट है यही आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है आपके। देखिए ये एक तरीके का एंट्री गेट है कि आपको अगर शेयर इशू करने हैं तो आपको 90% पब्लिक को वो शेयर खरीदने के लिए आपको मोटिवेट करना होगा। नेक्स्ट इज कॉल सिनेरियो। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स मेड बाय द कंपनी टिल द लास्ट डे फिक्स फॉर द पेमेंट देयर ऑफ। देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेती है तो वो डिफरेंट टाइप्स पे टाइम्स पे कॉल्स करती है कि अलॉटमेंट का पैसा पे करिए, फर्स्ट कॉल का पैसा पे करिए, सेकंड कॉल का पैसा पे करिए। और कोई शेयर होल्डर अगर किसी भी कॉल्स का पेमेंट नहीं कर पाता है तो जितना पैसा उसने पे नहीं करा, जो उसका ड्यू अमाउंट है वो ड्यू अमाउंट ही आपका कॉल्सन एरियर कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन कॉल्सन एरियर इज 10% पर एनम एज पर न्यू अमेंडमेंट्स, देयर इज नो नीड टू डू द कॉल्सन एरियर एंट्री। देखिए इसमें ये अकाउंटिंग एक ट्रीटमेंट है कि कंपनी चाहे तो इस ड्यू अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकती है, तो कंपनी एक्ट के अंदर ये 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है जो कॉल्सन एरियर पे आप ले सकते हो। कॉल्सन एरियर की जब हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि आप कॉल्सन एरियर का अकाउंट खोल भी सकते हैं और आप चाहें तो कॉल्सन एरियर का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, तो वो भी हम जब प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे तब इस चीज को हम देखेंगे। नेक्स्ट इज कॉल्सन एडवांस। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज नॉट बीन कॉल्ड बाय द कंपनी बट हैज बीन पेड बाय सम शेयर होल्डर इन एडवांस, इट इज मैंडेटरी टू डू द कॉल्सन एडवांस एंट्री। देखिए अब जैसे कॉल्सन एरियर है, किसी ने ड्यू अमाउंट नहीं पे करा है, वैसे कुछ शेयर होल्डर हो सकते हैं जिन्होंने वही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट था उसको एडवांस में ही पे कर दिया हो, तो जो कॉल्स मनी कंपनी ने अभी तक मांगी नहीं है उसका पैसा अगर एडवांस में दे दिया है किसी शेयर होल्डर ने तो वो पैसा कॉल्सन एडवांस कहलाता है। मतलब कॉल्स मांगी नहीं थी लेकिन फिर भी एडवांस में पैसा आ गया, अब चूंकि पैसा एडवांस में आ गया तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई है, तो इसकी एंट्री करना आपको जरूरी हो जाता है। कॉल्सन एडवांस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है, कॉल्सन एरियर पे कंपनी 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकती है, वहीं कॉल्सन एडवांस में कंपनी को 12% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। If any shareholder fails to pay the amount due on allotment or on any call within the specified period, the directors may cancel his share. This is called forfeiture of shares. देखिए जब भी कोई शेयर होल्डर अपनी ड्यू अमाउंट का पे नहीं कर पाया था तो कंपनी उन्हें रिमाइंडर भेजती है और उन्हें पेमेंट्स की ड्यू डेट्स बताती है कि इस डेट तक आपका पेमेंट आ जाना चाहिए, पर अगर कोई शेयर होल्डर उस ड्यू डेट पे भी पेमेंट नहीं पहुंचा पाता है, नहीं करता है, तो फाइनली फिर उसे 14 डेज का एक अल्टीमेटम दिया जाता है कि इन 14 डेज के अंदर अब आपको फाइनली पेमेंट करना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर आपके शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर लेगी, मतलब कैंसिल कर देगी, उसे जब्त कर लेगी, उसे अपने अधिकार में ले लेगी, आपकी ओनरशिप उन पे खत्म हो जाएगी और जो अमाउंट उन्होंने दिया था वो अमाउंट भी उन्हें रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहलाता है। तो देखिए ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड है। जब हम जनरल एंट्री करते हैं या इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सारी बेसिक टर्म्स है जो आती है क्वेश्चन में, इसलिए हमें इनका मीनिंग बेहतर तरीके से पता होना जरूरी है। आइए आगे हम देख लेते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स जो है, हम जो एंट्रीज करेंगे इसके अंदर, जो हमारा टॉपिक है 12th के अंदर कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर्स, उसके अंदर हम किस तरह से जनरल एंट्रीज करेंगे और उसके लिए क्या क्या बाइफिकेशंस हैं, टॉपिक्स को किस किस भागों में बांट के हमें देखना है, आइए उसको हम देख लेते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स में। तो जो हमारी एंट्रीज रहेगी इश्यू ऑफ शेयर्स को, उसको हम ब्रॉडली दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए पहला तो है फॉर कैश पर्पज एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए इश्यू ऑफ शेयर्स आप फॉर कैश पर्पज मतलब आप मार्केट में शेयर इश्यू कर रहे हो और आपको पैसा चाहिए, आपको कैश चाहिए कहने का मतलब। सेकंड है आपने शेयर बेचे हैं लेकिन आपको पैसा नहीं चाहिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कैश के अलावा आपने किसी और कंसिडरेशन को आपने फिक्स कर लिया है और उसके बदले में आप शेयर इशू कर रहे हो, तो यानी कैश पर्पज हो गया और एक तरीके से नॉन कैश पर्पज हो गया कि कैश नहीं मिल रहा है, कैश के बदले मान लीजिए और कोई एसेट्स आपको मिल रही है एक तरीके से। तो ये दो केसेज होते हैं, इन दो केसेज के हिसाब से हमें एंट्रीज को या हमारी अकाउंटिंग को देखना है। अब देखिए जो कैश पर्पज है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, और जो कंसिडरेशन अदर देन कैश है
उसके भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को दो भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए कैश पर्पज के अंदर फिर आप जो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन है और प्राइवेट प्लेसमेंट है कैश पर्पज में। कैश पर्पज में भी आपको जो पैसा चाहिए वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिल सकता है आपको या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू मिल सकता है। उसी तरह से जो कंसिडरेशन अदर देन कैश है, मतलब आपको एसेट्स के बदले में आप शेयर इशू कर रहे हैं तो, या कोई सर्विसेज के बदले में आप शेयर इशू कर रहे हैं, कैश नहीं मिल रहा आपको, वो टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को आप ये शेयर इशू कर सकते हैं या टू वेंडर्स, वेंडर आर दोज पर्सन जिनसे आपने कोई एसेट्स या कोई अन्य आपने चीज ली है वो आपका वेंडर कहलाता है आपके। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कैश पर्पज में प्राइवेट प्लेसमेंट है और पब्लिक सब्सक्रिप्शन है। देखिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है जब आप पैसा या शेयर जनता को इशू करते हैं, पब्लिक को जब आप शेयर बेच रहे हैं तो वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन कहलाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब यह है कि आप जनता को शेयर नहीं बेच रहे हैं। कई बार जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें लगता है कि हमें जनता में फर्दर शेयर को इशू करने की जरूरत नहीं है, हम प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब हम हमारे जो रिलेटिव्स हैं, प्रमोटर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं या कुछ बिग कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन्वेस्टर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं या एफआईआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके थ्रू हम डायरेक्टली ही हम हमारे जो शेयर्स हैं उनको आराम से बेच सकते हैं। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है, मतलब जनता को नहीं बेच रहे हो शेयर, आप प्राइवेटली ही उनको आप दे रहे हैं। तो इस तरह के जो प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स होते हैं इनमें एक क्लोज होता है कि ये 3 साल तक फिर नॉर्मली जिस भी व्यक्ति को आप ये इंस्टीट्यूशन को आप ये देते हैं वो बेच नहीं सकते हैं। देखिए आप, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है आपके, तो इनके अंदर जो एंट्री हम करेंगे, देखिए इस तरह से कैश पर्पज से भी दो भागों में डिवाइड कर दिया है हमने और कंसिडरेशन अदर देन कैश को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए जो पब्लिक को आप सब्सक्रिप्शन पब्लिक के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, देखिए इसमें दो केस है, या तो आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले सकते हैं इनसे या लमसम पेमेंट ले सकते हैं। देखिए हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, जैसे मैंने बताया 10 रुपए या 100 रुपए, आप या तो वो 10 रुपए पूरे एक साथ ले लीजिए तो वो लमसम केस हो गया। आप 10 रुपए को टुकड़े में ले रहे हैं, मान लीजिए 2 रुपए ले रहे हैं, फिर 3 रुपए ले रहे हैं, फिर 2 रुपए ले रहे हैं, तो आप अगर किस्तों में ले रहे हैं पेमेंट तो वो इंस्टॉलमेंट है, मतलब पूरा 10 रुपए एक साथ नहीं ले रहे हैं एक शेयर पे, तो ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाता है, या लमसम एक साथ भी आप ले सकते हैं। तो ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन में भी एप्लीकेबल है और प्राइवेट प्लेसमेंट में भी एप्लीकेबल है कि आप उनसे चाहें तो जो शेयर आपने बेचे हैं वो आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी पैसा ले सकते हैं उनका और लमसम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ही कोई सा भी केस हो, देखिए इन सभी केसेस को आप जो शेयर इशू करेंगे 8 पार भी कर सकते हैं, यानी 10 रुपए के शेयर को आप 10 रुपए में बेच सकते हैं, 8 पार भी इशू कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी केस हो, आप चाहें तो 8 प्रीमियम भी बेच सकते हैं। 8 प्रीमियम उस केस में बिकता है जब आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी होती है और लोग इजीली आपके शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो आप उनको उनकी फेस वैल्यू से भी ज्यादा प्राइस से बेच सकते हैं। मान लो 10 रुपए का शेयर है तो उसे आप 11, 12, 15, 20 रुपए तक आप बेचना चाहें तो भी लोग खरीदने को तैयार रहते हैं, तो आप 8 पार भी बेच सकते हैं इन सभी केसेज में और 8 प्रीमियम भी आप शेयर्स को इशू कर सकते हैं। थर्ड 8 डिस्काउंट, मैंने सिर्फ स्टार लगाया, देखिए 8 डिस्काउंट से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, प्रैक्टिकली अभी प्रेजेंट में आप 8 डिस्काउंट शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, बट मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि शेयर इस तरह से 3 प्राइस पे इशू होते हैं, 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। तो करेंटली 8 पार और 8 प्रीमियम तो आप आराम से इशू कर सकते हैं, प्रेजेंटली डिस्काउंट पे प्रोहिबिटेड है तो आप डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। तो ये इशू ऑफ शेयर का अकाउंटिंग जो है फ्लो चार्ट मैंने वो बनाया है और हम इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से हम एंट्री को करना सीखेंगे। सबसे पहले हम कैश पर्पज से एंट्री को लेंगे और कैश पर्पज में भी देखिए हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन का रहेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट का हमें कोई एंट्री नहीं करना है, हमारे कोर्स में भी नहीं है प्राइवेट प्लेसमेंट का, सिर्फ थ्योरेटिकल इसकी एक हिंट है कि थ्योरेटिकली आप इसके बारे में थोड़ा लिख सकें, बस वो है, बाकी सारी एंट्री जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के हिसाब से है। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन में भी हम जो वीडियो बनाएंगे आगे वो पहले इंस्टॉलमेंट पेमेंट का लेंगे, किस्तों में कैसे पेमेंट होता है, फिर लमसम का लेंगे, उसके बाद में जो कंसिडरेशन अदर देन कैश है उसको हम देखेंगे कि प्रमोटर्स को आप शेयर किस तरह से इशू करते हैं, वेंडर को किस तरह से करते हैं, और एक कोई सा भी केस हम डिस्कस करें इन्हें हम 8 पार या 8 प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।